बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरिफ महमूद, शिदौला दरबार मेरी रिहायश है। तो सुरख मिट्टी का काम साढ़े वालद साहब अगू उन्हां दे वालद साहब इस तरह ही साढ़े खानदान चलता आ रहा। स्पैशली साडा जिहड़ा काम है वह कागजी प्याले दे रहे। ते मेरे वालद अगू उन्हां दे वालद वो भी इवें ही काम करते सन। साडा एक नाँ इस काम में अलहमदुलिल्लाह कि बंदे सानू इस नाँ नाल जानते हैं कि वो काम में कर रहे हैं। तो वालद साहब नू करदिया वेख्या, काफ़ी देर देखा, माशाल्लाह मेरे नाल भी अच्छा काम करते सन। तो बड़ा उन्होंने एक इज्जत सी, अल्लाह ताला ने सानू इस काम में बड़ी इज्जत दी है। शुक्र है उहदा कि कागजी प्याले की वजह तो मैनू बहुत ज़्यादा बंदे पहचानते हैं, जानते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक खास करम है। जैसा कि मैं तुहानू दस्सिया कि कागजी प्याला साडा खानदानी काम है और ये विच एक जिहड़ा सिलसिला साडा चल रहा है, यदि पुरानी तारीख साढ़े जिहड़े आबाए सन जिन्हां नूं मैं भी नहीं जानता, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस काम से। अज अपना काम एक मुकाम पर पहुँचे है कि अलहमदुलिल्लाह हुण बंदे इस चीज़ को अच्छा समझते हैं और पसंद करते हैं। तुसीं आम तौर पर देखा होगा कि बर्तन काफ़ी मोटे होंगे ने, वजनी होंगे ने, वो हर कोई कर लैंदा, उन्हां दा कोई नहीं एडा मसला कि जिहड़ा थोड़ा बहुत काम ही जानता ना वो काम कर लैंदा। लेकिन अल्लाह ताला ने कह लो कि साडे खानदान ते खास मेहरबानी की है, उन्हें सानू इस पासे लाए है। कागजी प्याले का मतलब है कि वजन जिहड़ा घट तो घट मिट्टी का सुरख मिट्टी का बर्तन बने प्याले की शक्ल, असी उन्हें कागजी प्याला कहने। तो बंदे उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें अच्छी निगाह नाल देखते हैं, जिहड़े जौक वाले लोग ने, शौक वाले लोग ने। अपने वालद साहब नाल उन्हां नाल जाईदा सी, काम देखीदा सी, करीदा सी, लेकिन जो जो समझिया फिर इस काम नूं फिर साढ़े कोल गाहकां ने आउणा, उन्हां मतलब एक समझो लैण लगी है गाहकां दी, एक कि सानू दिओ सानू दिओ, ऐतकी मेरी वारी है, ऐतकी मैनू देना जे। वो फिर एक शौक पैदा होया कि यह भी कोई काम है करना चाहिए। तो अलहमदुलिल्लाह उहदे विच फिर उस काम में चले गए हैं। तो अज अल्लाह ताला ने इज्जत दिती है, शुक्र है उहदी ज़ात दा। ये कागजी प्याला जिहड़ा ना बेसिकली इहदी खूबी कह लो जो भी इहनू कह लो तुसीं, इहदे वजन दा एक मियार होना चाहिए। इहदा किनारे तो लै के इहदी इह जिहड़ी जगह है ते सेम एक जी होंदी है। ते इहदा जिहड़ा ना वजन तकरीबन 80 to 90-95 के दरम्यान ग्राम जिहड़ा ना वह इन्ना क वजन होंदा है। ते इहदी स्पैशल मिट्टी होंदी है, ये नहीं कि हर मिट्टी तुसीं इहदे च इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हर मिट्टी फड़ी तो उहदा बनाहट है, उहदा नहीं बनता है। इहदी स्पैशल मिट्टी होंदी है ते बिल्कुल ना साफ सुथरी कुदरती। अल्लाह ताला ने गुजरात शहर में कह लो कि इस मसले खुद कफील किए हैं। तो जिहड़ा तुहानू गुजरात जो गुजरात तो अलावा शायद तुहानू किधर मिले, मैं नहीं उम्मीद कि मिले कि इन्नी साफ सुथरी बेहतरीन और भिंबड़ के पहाड़ा की मिट्टी है जिहड़ी कुदरती तौर पर ग्रैंड हो के अल्लाह ताला इन्हें साडे तक पहुँचा देंदा। तो इहदा जिहड़ा बनाउण वाला कोई भी है, मैं ये नहीं आता कोई भी जिहड़ा बनाउणा उहनूं उहदे अंदर एक सबर ते शुक्र लाजमी होना चाहिए, बर्दाश्त। काल वाला काम नहीं है तो बस अखां मीट के तो तुसीं कर लो, एक मेहनत वाला काम है। तो कोई भी इंसान सीखना चाहे सीख सकता है। तो मैं तो अपनी वालदा कोल सीखा, उन्होंने मैनूं दस्सिया दा तरीका कि इहनूं इस तरह करना है, क्योंकि मैं करता हुंदा हाँ छोटे लैवल ते जदों काम वो देख के कहिंदे हन कि तूं इहनूं इस तरह कर, इह जिहड़ी जगह इहदी बाहर कढ,
इस तरह करके उन्होंने मैं ये काफ़ी चीज़ा दसिया ने। लेकिन वाला साहब क्योंकि काम का फिर उन्होंने मसला से उन्होंने नहीं तंग करीदा कि अपना काम छड़न तो मैं दस तो उन्होंने बेसिकल तो उन्होंने भी देख के सीखा ना कि मिट्टी किस तरह बनानी है वह तरीका की है। लेकिन मैनू जेड़ा ना मेरी वालदा ने बहुत ये समझाया दसाया। तित्तर जोड़े होंगे ना तित्तर बटेरे वाले बंद जिन्हें शौक हों इस चीज़ का वह साढ़े को बनवाते हैं मिट्टी के। तो ये एक तो हों कि जो कोई दाणा वगैरह पाते हैं वो भी काफ़ी महफूज रहा फिर पानी पाते हैं इन्हों के जानवर जोड़ा गर्मियों वो काफ़ी पानी जोड़ा ठंडा रहा गर्म नहीं होंगे जबकि प्लास्टिक अगर वो पान तो पानी जोड़ा गर्म हो जाता तो जानवर फिर वो परेशान होंगे पानी पीता नहीं है तो मिट्टी का सुरह मिट्टी का होने की वजह तो फिर जोड़ा ना वो पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहा। सारे बोलो सारे बनाया डोंगा ये दही जमा सकते ये फिरनी वगैरह कस्टर्ड कोई भी ऐसी जड़ी चीज़ मेहमानों को पेश करो वे कर सकते खूबसूरती भी होगी गजाइत भी बधेगी और सेहत नाल भी यदा बहुत ज़्यादा तल है क्योंकि जो फिरनी तुम पाते हो वह जो दुध पानी कुछ रह जाता है वो सुरख मिट्टी खिंच लेंगे तो वो गजाइत बहुत ज़्यादा फर्क पै जाता तो चीज़ खाने का बहुत मज़ा आता है जबकि प्लास्टिक या शीशे में वो मज़ा नहीं आता वो जो सिर्फ मिट्टी चाहिए खूबसूरती बधेगी थोड़े मेज़ की जिस खाना खिला रहे खिला रहे तो सर हूँ चुप के इन्होंने धुप्पे रखा खुश्क होने वास्ते उ फिर इन्होंने अंदर लिया फिर इन्हों एक दूजे उत्ते मुंदिया करा तो ये फिर सीधे रहने टेढ़े नहीं हो तो प्याला ना बनता किस तरह ये बना के दिखा।